हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जिसमें इन दिनों मैं आपको वो विधा सिखा रहा हूं जिससे आप किसी भी प्रकार के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में आसानी से बदल सकते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए विभिन्न पड़ाव को पार किया है और अमूमन हर प्रकार के सेंटेंसेस को हमने टच किया है जिसमें आपको ये सिखाया है कि उस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाए। मैंने हर एक प्रकार इसलिए टच किया, बैंकिंग के बच्चों को लगता होगा कि बहुत लंबा खींच रहे हैं। ये ऐसा चैनल है जहां पर हर तरह के बच्चे जुड़ते हैं। मैंने कहा है कि इंग्लिश जिनको सीखना है, और इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं होता, इंग्लिश ही उसका सिलेबस है। दैट मीन्स मैं पहले बता चुका हूं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, यही चार की जांच होती है। तो एसएससी में क्या होता है कि इसकी मात्रा जो है, लेवल जो है वो ज्यादा होता है। एसएससी के बच्चों को 20-25 क्वेश्चन का एक बड़ा पैकेज मिलता है, तो उस लिहाजन जो है मैंने उसको भी दिखाया। और उस चक्कर में बैंकिंग वाले बच्चे जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो बहुत कुछ ऐसा छूट जाता है जो उनको एरर बनाते समय लगता है कि अरे ये तो नया आ गया इसमें कुछ। जब मेरा मानना है कि पढ़ रहे हैं तो पूरे विस्तार से पढ़ लें। तो अगर कुछ ऐसा रह गया है जहां पर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कुछ बताना है तो नीचे कमेंट में लिख करके सूचित जरूर करें। ऐसे मुझे पता है आपके पढ़ने का रेशियो क्या है और आप किस तरीके से पढ़ते हैं। खैर, इसको ताना नहीं समझिएगा, ये बस जगाने के लिए एक हिंट है, एक माथे पर टपाका समझ लीजिए, जिसको कि मैं आपको बार हर दिन एक ऐसे झटका देकर जगाने की कोशिश करता हूं कि जागो, एग्जामिनेशन आपका है, मेरा नहीं। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने, जिसकी चर्चा प्रीवियस ईयर के सेट के कई क्वेश्चन में हुआ, और वो था स्टेटिव पैसिव। आज हम इसके हर पहलू की बात करेंगे आपके सामने। स्टेटिव पैसिव क्यों यूज करते हैं, किस संदर्भ में यूज करते हैं, क्यों ये इजी है, और इसको अपनाने का क्या तरीका है, पहचाने कैसे, इसके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, हम इसकी बात करेंगे। पिछले दिन मिसलेनियस जो एपिसोड मैंने रखा था, मैंने आपसे ये जानने की कोशिश की थी, अगर उसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि और मिसलेनियस का पार्ट टू आना चाहिए, कुछ जोड़ना चाहिए, कुछ छूट रहा है, क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं जितना सोच समझ सकता हूं, मैं जितना देख सकता हूं उतना मैं आपके लिए उपलब्ध कराता हूं। अगर आपको लगता है तो नीचे लिख करके मुझे बताइए जरूर। उसमें मैंने कोशिश की कि एक वो यूनिवर्सल पैसिव वाली बात जिससे आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि वो एक्टिव में है या पैसिव में। फिर फ्रेजल वर्ब के साथ पैसिव बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कुछ एक वर्ब था नो, हेयर, फील, इन सारे को जो है पैसिव में चेंज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी चर्चा उसमें की। आज हम यहां पर आपको एक छोटे से टॉपिक में एक अहम जानकारी देंगे, और वो है स्टेटिव पैसिव। तो बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, देखते हैं कि स्टेटिव पैसिव क्या है। चलिए देखा, आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि स्टेटिव पैसिव क्या है, कैसे पहचाने, और इसका क्या सेंस है, और किस किस परिस्थिति में सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, पैसिव की सारी विधाएं आपको पता है, जो मैंने बताया है, काफी लंबे अरसे के बाद आ रहा हूं इसलिए इसको करना जरूरी है। बहुत लोगों को गुस्सा आएगा, नहीं आना चाहिए, आपका भी रिवीजन नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म, है ना, ये होना चाहिए बाय प्लस एजेंट। दूसरा, डू फॉर्म किसमें चेंज करना है, बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और जो डू का बी में कन्वर्जन है वो क्या है, वी वन के लिए है, बी फॉर्म लिखिएगा तो समझ में आएगा, यहां पर भी फॉर्म लिख लीजिए। वी टू का क्या है, वॉज और वर है, वी थ्री का क्या है, बिन है, वी फोर का क्या है, बीइंग है, वी फाइव का क्या है, इज है, आर है, एम है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर एग्जाम्पल वगैरह देकर के आपको समझाने की जरूरत है,
और अगर आज भी आपको एग्जाम्पल की कमी खटक रही है, जाग जाइए, समय बदला नहीं है आपके लिए, परिस्थितियां वैसी ही हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक एपिसोड को ध्यान से देखिए, परेशानी हो लिख करके सूचित जरूर करिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर स्टेटिव पैसिव। देखिए, सुनने में बहुत ही भयानक लगता है। जब मैंने पहली बार इसका नाम लिया था ना, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा ये क्या है, और मेरे बहुत सारे बच्चे तो खैर विशेष करके वो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लिख के तैयार हैं कि क्लास में मिलिए आप पहले, YouTube पर बहुत एकदम एलैबोरेट करके हर एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में दंडी मार देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समय है, क्लासरूम में सिलेबस होता है और समय सीमा होती है कि आपको 72 क्लासेस में ख़त्म करना है, तो अमूमन सभी लोग वही पढ़ाते हैं। और जो जागरूक बच्चे होते हैं ढूंढ ही लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को सिखाया भी है। यहाँ देखिए कि इसमें पैसिव इज ऑल अबाउट क्या, सबसे पहले इधर से आइए तब हम उसकी बात करें। पैसिव इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्ब, है ना। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा लंबा एपिसोड नहीं जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ वर्ब क्या है, इसकी दो क्वालिटी, एक एक्टिव वाली जिसमें यह बताया कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है, मतलब है सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस लिखते हैं, सब्जेक्ट पर इम्फेसिस होता है, जैसे राम ईट्स। दूसरा क्या है कि दूसरे वर्ब की जो दूसरी क्वालिटी है वो ये एक्सप्रेस करता है कि वो एक्शन किसी पर होता है, जैसे मैंगो इज इट। यहां पर कौन करता है उसकी बात नहीं है। अब जब इसकी बात आई क्वालिटी ऑफ वर्ब, तो यहां से वर्ब की क्वालिटी भी आएगी। तो आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढिए, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आईएनजी किस वर्ब के साथ यूज करते हैं और किस वर्ब के साथ नहीं यूज करते हैं। और उसी दौरान मैंने बताया था कि दुनिया में दो तरह के वर्ब होते हैं, 3-4 तरीका मैंने बताया था आईएनजी को किस किस के साथ इस्तेमाल करें, कैसे पहचाने, कैसे समझें। बड़ा अच्छा सा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ एपिसोड है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको आईएनजी के यूजेस में परेशानी है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी वो परेशानी उस एपिसोड के बाद खत्म हो जाएगी, कि हम किन किन परिस्थितियों में किन किन शब्द के साथ लगाते हैं, नोइंग के साथ लगेगा, लविंग के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, इन सारी बातों की जानकारी वहां पर है। उसी में आपको याद होगा तो मैंने कहा था दो प्रकार के वर्ब होते हैं। एक वर्ब कहा था जो स्टेट बताता है, ठीक है, अवस्था बताता है, एक्चुअल एक्शन होता नहीं है, ठीक है, दोनों एक्शन वर्ड ही है और इसमें एक्शन पता चलता है। जैसे एक्शन में अगर देखिएगा तो खाना, एक्शन का पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखना, एक्शन का पता चल रहा है। लेकिन इटीसी, इससे ज्यादा एग्जांपल क्या रखें यहां पर। अब स्टेट वाले में क्या है कि इसको एग्जांपल अगर देंगे तो नो, इसमें कोई एक्शन नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं, कौन सा एक्शन, इसमें क्या कुछ कर रहे, एक्शन नहीं है ना इसमें, ये क्या है, स्टेटस है, स्टेट है, वर्तमान समय में उस पॉइंट पर एक कंडीशन, उस समय की स्थिति क्या है, मैं तुम्हें जानता हूं नहीं जानता हूं, तो ये एक स्टेट, ठीक है। दूसरा इंप्रेस, ये कोई एक्शन नहीं है, ये किसी एक्शन का परिणाम है। इस तरीके से भी मैंने बताया था कि कुछ एक एक्चुअली एक्शन होते हैं जिसको हम करते हैं, और कुछ एक क्या होता है, उस एक्शन का परिणाम होता है। जैसे आपने कुछ किया, मैं सरप्राइज हो गया, तो सरप्राइज भी एक वर्ब है, हम उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, करते हैं बिल्कुल। तो अब सुनिए कि वो किस तरीके का, तो इसी अंतर से समझ जाइए कि एक वर्ड, एक वर्ब है जो कि एक्चुअली एक्शन को एक्सप्रेस करता है, और दूसरा वर्ब है जो स्टेट यानी कि अवस्था, वहां एक्शन एक्चुअली होता नहीं है, वो उसको एक्सप्लेन करता है। और इसी को जब हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वही कहलाता है स्टेटिव पैसिव। मतलब है कि अगर आपके पैसिव में स्टेट दर्शाने वाला वर्ब, स्टेटिव वर्ब कहते हैं उसको, वो अगर आ जाए तो वो जो पैसिव होगा वो स्टेटिव पैसिव। साधारण शब्दों में समझा रहा हूं मैं, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत जगह पे बहुत तरीके से बताया हुआ है,
सिंपल समझिए, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो साधारण एक्शन को एक्सप्रेस करना, एक्शन क्या होता है, को वो किसी एक अवस्था को दूसरे अवस्था में बदलने को बताता है। लिखना वहीं पर है, तो कहीं पर भी खाना तो एक अवस्था है, खाना प्लेट में है, उसको हम चबा चबा के निकल रहे, वो एक अवस्था, वो करंट स्टेट नहीं है वो। बट मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुमसे इंप्रेस हूं, मैं सरप्राइज हूं, ये एक स्टेट। तो ऐसे वर्ब को कहते हैं स्टेटिव वर्ब। और अगर ये स्टेटिव वर्ब आपको दिखे पैसिव के फॉर्म में, पैसिव के फॉर्म का मतलब क्या है, क्या दिखेगा? पैसिव के फॉर्म का मतलब है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से दिखे, अगर कहीं पर आपको दिखे इज नोन, आसानी से समझिए, कहीं पर दिखे आर सरप्राइज्ड, ठीक है, कहीं पर दिखे एम इंप्रेस्ड। अब सब्जेक्ट जो भी है उसके हिसाब से लिख लो ना, ही इज नोन, यू आर सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है, आई एम इंप्रेस्ड। तो इस तरीके से अगर आपको इस कैटेगरी वाले वर्ब दिखे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ, तो ये सारे स्टेटिव पैसिव कहलाते हैं। मतलब ये है कि पैसिव का वो रूप जिसमें जो वर्ब कन्वर्ट होके पास्ट पार्टिसिपल आया है, बी के बाद जो पास्ट, एक्चुअली वो क्या था, जब हम उसको एक्टिव में लिखते हैं तो एक्टिव में वो एक्चुअल में वर्ब का फॉर्म होता है, जहां पर हम डोर के माध्यम से उसको लिखते हैं, वो डोर की सारी बातें दर्शाता है। तो उस दौरान एक्चुअली वो तो एक्शन, यानी कि वर्ब के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी एक फॉर्म में आया होगा, बट हमने जब उसे पैसिव में चेंज किया तो वो जो वर्ब का फॉर्मेट था वो बी में बदल गया, और जो एक्चुअल वर्ब था वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हुआ। तो वो जो पास्ट पार्टिसिपल है अगर स्टेटिव वर्ब का बना हुआ है तो वो स्टेटिव पैसिव है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, परिचय क्लियर हुआ, एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, है ना। देखिए इसमें जब पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव का मतलब है क्वालिटी ऑफ वर्ब, एक क्वालिटी है जिसमें कि वो डोअर को जो है इंपॉर्टेंस देकर के लिखा जाता है, जिसमें वो ये एक्सप्रेस करता है कि काम को कौन करता है। दूसरा उसी वर्ब की क्वालिटी है जिसमें वो ये एक्सप्रेस करता है कि वो एक्शन किस पर होता है। ये बात क्लियर हो गई एक्टिव एंड पैसिव की। तो एक्टिव और पैसिव क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्ब है, दैट मीन्स वो वर्ब के नेचर पे बदलेगा। तो वर्ब कितने तरह के, हमने कहा कि आईएनजी वाले एपिसोड में आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड टेंस के वहां पर है। अब क्या है वो वर्ब, वो दो तरीके का, एक एक्चुअली जो एक्शन है, एक्शन होता है जिसमें कोई ना कोई क्रियाकलाप होती है, जैसे लिखना, जैसे कि पढ़ना, जैसे कि क्या कहते हैं खेलना, ये सारे में एक्शन कुछ ना कुछ होता है। बट दूसरे तरीके का वर्ब है जो कि एक्चुअली क्रियाकलाप नहीं है, स्टेप्स नहीं है, रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है, रिजल्ट है। और सारे एक्शन क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, खाना भी एक प्रोसेस है, पढ़ना भी एक प्रोसेस है, लिखना भी एक प्रोसेस है, लेकिन जानना एक प्रोसेस है, वो एक अवस्था है, स्टेट है कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुमसे इंप्रेस हुआ, या मैं इंप्रेस हूं, मैं सरप्राइज था। तो ये क्या है, ये एक स्टेट है। और स्टेटिव वर्ब जो कि स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं उस समय में, या किसी समय में, जिस पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है या जिस समय की बात की जा रही है, उस समय में किसी चीज का स्टेटस क्या है, उसको एक्सप्रेस करने वाले एक्शन, अगर आपको बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, अगर ये स्टेटिव वर्ब का हो तो वही आपका स्टेटिव पैसिव होगा। बस इतनी सी बात है कि साधारण पैसिव में, साधारण पैसिव में हमने क्या पढ़ा, मैंगो इज इट, है ना, और स्टेटिव में क्या पढ़ेंगे, ही इज नोन, आई एम इंप्रेस्ड, यू वर सरप्राइज्ड। ये इस तरह का जो है वो क्या होगा, किसी एक्शन को नहीं दर्शाएगा, वो स्टेट को दर्शाएगा। तो मैं समझता हूं कि परिचय क्लियर है, चलिए इसको रहने देते हैं, इधर से इसको हटा लेते हैं। अब यहां पर बात क्या आई,
इसकी जरूरत क्या है, तो पहले इसको हटा लें। ठीक ठीक, अब इसकी जरूरत क्या है, तो स्टेट वाले वर्ब को ना एक्टिव में लिखना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। उस समय में हम अब हम सरप्राइज हुए, इतनी सी बात कहनी है, सीधा कहेंगे कि मैं सरप्राइज हुआ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन सरप्राइज्ड, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। या फिर हम लिखेंगे आई एम सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन उसमें क्या है, इंपॉर्टेंस हमेशा से इसमें किस बात से हुआ नहीं हुआ इसकी महत्ता नहीं है, उसमें महत्ता है कि स्टेट क्या था उसको दर्शाना है। जैसे एक सेंटेंस मैं लिखता हूं और उसको आप देखिए, ठीक है, कि किस तरीके से कठिन होता है। एवरीवन नोज दैट महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। ये देखिए एक्टिव में लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे तो इसमें वो एक्सप्रेशन नहीं आता है। इसी को अगर हम स्टेटिव में लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए, महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। तो मैसेज भी क्लियर है और लिखना भी आसान है, बोलना भी आसान है। तो इसीलिए और क्या है कि इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि इस तरीके से लिखा जाए, हम जब इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं या नोन, ठीक है। तो पहली बात तो यह हो गई कि इस तरीके से एक्टिव से वो एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं होता है, और उलझाने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। बट अगर स्टेट वाले को ऐसे पैसिव में लिखें तो ये ज्यादा अच्छा मीनिंग एक्सप्रेस करता है। इसीलिए हमेशा से प्रेफर ये किया जाता है कि स्टेटिव वर्ब जो है वो इसी तरीके से। बहुत सारे लोग कहते हैं आम जान, बोलते हैं ये चीज, तो वो अवस्था बता रहे हैं, हाँ भाई मेरा हुआ, हो गया, खत्म, आम जान, ये इस तरीके से बोलते हैं। तो ये क्या है ना कि आसान है तो स्टेट वाले वर्ब के साथ। ऐसा क्यों होता है, इसकी एक और वजह है कि एक्चुअली जो स्टेट वाले वर्ब है, जिसको स्टेटिव वर्ब में कह रहा हूं, वहां पर एक्चुअली ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे मैंने लिखा ना कि आई वॉज सरप्राइज्ड या आई वॉज इंप्रेस्ड, मैंने लिखा, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है ना, जो कि यहां पर क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन यही चीज जो है वो क्वालिटी बता रहा है, उस अवस्था को दर्शा रहा है। यही अगर आप एक्शन वाले वर्ड लिखते हैं जो एक्चुअली एक्शन को एक्सप्रेस करता है, तो वहां पर वो होता उसी तरीके से, अगर मान्यता ग्रामेटिकल टर्म की बात करें तो वहां पर, लेकिन वहां पर वो ये स्टेट नहीं दर्शाता है। अगर हम मैंगो इज इटन कहें तो वो स्टेट नहीं, वो एक एक्शन को दिखाता है, एक क्रियाकलाप को वहां पर एक्सप्रेस करता है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आप इस तरीके से ना कोई दूसरा एडजेक्टिव लगा के भी सेंटेंस लिख सकते हैं, इसमें कोई दूसरा जो है वो लगा करके आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं, जैसे आई वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर बात इतनी सी है कि अगर हम स्टेटिव वर्ब को बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वहां पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्टेटिव पैसिव कहलाता है। और इसमें किसी व्यक्ति वस्तु या जिसकी चर्चा की जाती है उसके उस चर्चित समय के स्टेट कंडीशन अवस्था को बताता है कि क्या एक्चुअल का। जैसे देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं और उसी को दोनों तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर मैं लिखूं विंडो इज ब्रोकन, तो ये स्टेटिव है, बिल्कुल ये स्टेटिव है, क्योंकि वो टूटी हुई अवस्था को दर्शा रहा है कि खिड़की टूटी हुई है ना, विंडो इज ब्रोकन। अब इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखेंगे तब ये पैसिव नॉर्मल हो जाएगा, विंडो इज ब्रोकन बाय राम।
तब देखिए कि ये क्रियाकलाप को दर्शा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इतना ही लिखें तो स्टेट का पता चलता है, और इतना लिख दें तो क्रियाकलाप का पता चलता है। तो सिंपल सी बात समझिए कि जब हम उस पार्ट पार्टिसिपल से जो यहां पर लिखे हैं उसमें एक तो स्टेटिव वर्ब को रखें और वो एडजेक्टिव की तरह उस समय के स्टेट को जिसका चर्चा किया गया, जो इज आर एम वाज वर, जो जिस समय की चर्चा की गई है उसके स्टेट को दर्शाएगा, तब उस जगह पर वो स्टेटिव पैसिव होगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्टेटिव पैसिव में इसके बाद आपको प्रेपोजिशनल एक्सप्रेशन दिखेगा, ठीक है, प्रेपोजिशनल एक्सप्रेशंस ये आपको यहां पर दिखेगा। मतलब ये कि इसके साथ आपको प्रेपोजिशन दिखेगा लेकिन अमूमन बाय नहीं दिखेगा, ठीक है, बाय नहीं दिखेगा। जनरली मैं क्या कह रहा हूं, जनरली कुछ एक विशेष परिस्थिति में अगर वैसा लिख दिया जाए, कुछ एक वर्ब दिखेगा जैसे सराउंड दिखेगा, कनेक्ट दिखेगा, तो उस केस में हो सकता है कि आपको बाय दिखे। क्या आप देखिए कि कोई एरिया है सराउंडेड बाय कुछ हम लिखें तो वहां पर बाय ही दिखेगा। तो कुछ एक वर्ब है लेकिन मैक्सिमम केस में स्टेटिव पैसिव के साथ जो हम लिख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसके आगे एक प्रेपोजिशनल एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। बिल्कुल, क्या दिखेगा, एक प्रेपोजिशनल एक्सप्रेशन आपको वहां पर दिखेगा। हम एक एक करके आपको बताते हैं, जैसे कुछ एक एग्जांपल्स लिखते हैं और फिर उसके बाद, जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड, दूसरा देखिए आई वॉज टायर्ड, आई वॉज डिप्रेस्ड और आई वॉज इंटरेस्टेड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे और देखिए कि इस सारे एग्जाम्पल्स में आप एक चीज देखिए कि क्या है, स्टेटिव 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 और स्टेटिव जितने भी वर्ब हैं वो यहां पर जो कि पास्ट पार्टिसिपल के रूप में बदला गया है, सब कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आप इतना एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब आप इसके साथ ऐड करेंगे ना, आप देखिए कि इसका अगर एक मीनिंग आप निकालिए तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। अगर इसकी जगह पर आप ये लिखते हैं आई फेल्ट, चूंकि सब में पास्ट है तो हमने यहां पर पास्ट का ही एक्सप्रेशन रखा है। अब आप हर एक सेंटेंस को बोल करके देखो, एक्सप्रेशन वही देगा कि आई फेल्ट सरप्राइज्ड, आई फेल्ट टायर्ड, आई फेल्ट डिप्रेस्ड और आई फेल्ट इंटरेस्टेड। अब रही बात कि यहां पर इसके साथ हम, मैं जैसे पहले मैंने कहा कि स्टेटिव के साथ प्रेपोजिशनल एक्सप्रेशन देखा जाता है, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़कर, बाय, और वो किस केस में कहा, जनरली। मैंने इसमें दो बताया है ना, सराउंड और एक बताया क्या, कनेक्ट। ये दो वर्ब मैंने बताया कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि सराउंडेड बाय अगर लिखा हुआ है ना, कनेक्टेड बाय लिखा हुआ है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में कहीं कहीं आपको जो है वो बाय दिख सकता है, लेकिन अमूमन हर केस में आपको बाय के अलावा दूसरा प्रेपोजिशनल एक्सप्रेशन दिखेगा। और इसी पर सवाल पूछा जाता है, क्या क्या रहता है, आई वॉज सरप्राइज बाय, आई वॉज टायर्ड बाय, आई वॉज डिप्रेस्ड बाय, आई वॉज इंटरेस्टेड बाय। चूंकि बच्चे ये समझते हैं कि पैसिव में जब कभी भी पैसिव, वो क्यों समझते हैं, क्योंकि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म, वो जब ये देखते हैं तो उनको ये समझ में आ जाता है कि पैसिव है, और उनको ये चीज बताया गया है बाय प्लस एजेंट। जो बच्चे स्टेटिव पैसिव नहीं पढ़े या फिर स्टेटिव वर्ब को पैसिव में कैसे रूपांतरित करते हैं उसकी क्या बातें हैं, अगर उनको समझ में नहीं है तो वो ये गलती करेंगे। अब देखिए कि सबके साथ जो अलग अलग प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट, मैंने बात की बाय की, जनरल केस में कभी कभी आपको दिख सकता है। अब सरप्राइज्ड एट, इससे सेंटेंस बनाइएगा तो आई वॉज सरप्राइज एट हर रिजेक्शन, आई वॉज सरप्राइज एट हर रिजेक्शन। यहां पर देखिए टायर्ड ऑफ हियरिंग सो मेनी एक्सक्यूजेस, आई वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग सो मेनी एक्सक्यूजेस, मतलब बहुत इतने सारे एक्सक्यूजेस सुनकर थक चुका हूं, थक गया हूं, है ना, वो अवस्था को दर्शा रहा है ना,
डिप्रेस्ड ओवर माई डिवोर्स, है ना, तलाक से डिप्रेस हो गया हूं, आई वॉज डिप्रेस्ड ओवर माई डिवोर्स। और यहां पर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, इन कंप्यूटर, जो भी लिखना है। तो यहां इसका एक्सप्रेशन आप देखिए कि ये बात अब समझ में आई कि इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि स्टेटिव पैसिव, मैंने पहले बता दिया कि स्टेटिव वर्ब अगर आपको पैसिव के फॉर्मेट में दिखे, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो है वो पास्ट पार्टिसिपल स्टेटिव वर्ब का कन्वर्जन हो, तो वैसे सेंटेंस में वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है और उस परिस्थिति में उसको हम कहते हैं स्टेटिव पैसिव। साधारण शब्दों में क्रियाकलाप वाले वर्ब नहीं हो, स्टेट को दर्शाने वाले वर्ब हो, तो वो स्टेटिव पैसिव होते हैं। अब स्टेटिव पैसिव की बात क्या हुई कि इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करना आसान होता है, इंपॉर्टेंस उसी की होती है। अब वो किस तरीके से क्रिएट किया गया, एक्टिव लिखना कहीं ना कहीं उलझाने वाला होता है, ज्यादा इसके एक्सप्रेशंस आसान होते हैं। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखनी है कि स्टेट है, फीलिंग्स हो सकती है, किसी प्रकार की अवस्था हो सकती है, तो उसी को देखना है कि भाई वो उस समय जिसकी चर्चा की जा रही है उस समय की स्थिति अवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और बात जो अहम ध्यान रखनी है कि स्टेटिव पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल के बाद प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन देखा जाता है, वो रहता है, हो सकता है। अब प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन में एक्सेप्शन क्या है कि बाय नहीं होगा, बाय के अलावा दूसरे प्रपोजिशन देखे जाते हैं, जैसे मैंने यहां पर आपको चार एग्जाम्पल दिया है, उसमें सरप्राइज्ड है उसके साथ एट लगता है, टायर्ड है उसके साथ ऑफ लगता है, डिप्रेस्ड के साथ ओवर लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इल लगता है। ये कहीं ना कहीं फिक्स प्रपोजिशन से जुड़ी हुई बात है। इसका लिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक दो क्लास जैसे वॉइस की हो रही है उसमें किसी एक दिन अपने वीडियो के अंत में वो लिस्ट अवेलेबल करके लगा दूं। ऐसे जब मैं प्रपोजिशन चैप्टर की चर्चा करूंगा वहां पर फिक्स प्रपोजिशन का पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके साथ प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन देखा जाता है और वो दूसरे दूसरे प्रपोजिशन होते हैं जो कि बाय को छोड़कर होता है, उसके अलावा होता है। अब कुछ कुछ जो प्रपोजिशंस हैं वो मैं बता देता हूं कुछ कुछ के साथ क्या लगता है। जैसे दो वर्ब है ओब्लाइज्ड और नोन, इसके साथ टू लगता है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपके एग्जामिनेशन में इतना ही देखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, आप पेपर पढ़ने के दौरान अब ये ध्यान रखेंगे कि जो स्टेटिव वर्ब लिखे गए हैं अगर वो पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर वहां पर प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको उसे नोट डाउन जरूर करना चाहिए। वहीं से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार किस स्टेटिव वर्ब के पैसिव फॉर्मेट में कौन सा प्रपोजिशन ऐड किया जाता है, और ये पढ़ते पढ़ते ही आप सीख जाएंगे, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो लिस्ट लेके बैठते हैं याद कर रहे हैं, संभव नहीं है बॉस, याद कर लोगे गड़बड़ी होगी और रख नहीं पाओगे लंबे समय तक। मैं कुछ कुछ लिख देता हूं जो आपको मदद करेगा। एक है इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेन्ड, इस सब के साथ इनका प्रयोग होता है। जो मैंने एग्जाम्पल बताया टायर्ड के साथ ऑफ होता है, डिप्रेस्ड के साथ ओवर होता है, वो भी ध्यान में रखिएगा। यहां है ओब्लाइज्ड के साथ, नोन के साथ टू का प्रयोग होता है, इंटरेस्टेड के साथ इन, कंसिस्टेड के साथ इन, कंटेंट के साथ इन। अब इंप्रेस्ड, प्लीज्ड, डिस्गस्टेड एंड सेटिस्फाइड, इस सब के साथ विद का प्रयोग करते हैं। इंप्रेस्ड, प्लीज्ड, डिस्गस्टेड, सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद अलार्म्ड, यहां से अलग है, अलार्म्ड, एस्टोनिस्ट, शॉक्ड, सरप्राइज्ड,
ठीक है, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड के साथ ओवर होता है, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक, सरप्राइज्ड, इस सब के साथ एट का प्रयोग होता है। तो देखिए इस तरीके से सबको लिस्ट कर पाना तो खैर बहुत कठिन है, ठीक है, लेकिन ये अमूमन जो पूछे जाते हैं, जैसे अराइव के साथ एट लगता है, लेसन के साथ टू लगता है, ये सब केयर के साथ ऑफ लगता है, स्लेप के साथ ऑन लगता है, इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा, इसकी सबसे अच्छी बात है और सबसे अच्छा तरीका है, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान, अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है ना, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वो स्टेटिव वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसके साथ प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, जब आपको नजर पड़े तो उसको देखिए जरूर और गौर से देखिए, ध्यान में रह जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टेटिव पैसिव का हुआ था ये अब खत्म हो गया होगा और मैं इसे खत्म कर पाने में सफल रहा हूं। यहां पर एक बार फिर से मैं आपके सामने एक क्विक रिव्यू रख देता हूं। रिव्यू ये है कि What is voice? Quality of verb, active, क्या express करता है कि subject किसी काम को करता है, passive क्या express करता है verb कि वो काम किस पे होता है। इसी में जब हम verb की बात कर रहे हैं, quality of verb है तो वो दो तरीके का verb है ना, एक है जो सही मायने में क्रियाकलाप है, process है, और एक है जो उस क्रियाकलाप का परिणाम हो सकता है, जो stative होता है, जो status बताता है, condition को बताता है उस समय क्या स्थिति है। तो जब स्टेटिव वर्ब आपको पैसिव यानी कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्मेट में दिखे तो वो कहलाता है स्टेटिव पैसिव। क्लियर है, वो कहलाता है स्टेटिव पैसिव। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको एक्टिव के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना थोड़ा उलझाने वाला होता है और ये ज्यादा एक्सप्रेसिव है, ज्यादा आसान है, तो इसको अपनाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है कि यहां जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसके बाद एक प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन आपको देखा जा सकता है जिसमें कि बाय के अलावा यानी कि बाय प्रयोग नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी वर्ब के साथ कनेक्ट सराउंड जो मैंने आपको बताया तो उसके साथ जो है वो प्रयोग हो सकता है, बाय कभी कभी दिखेगा, बट इसके अलावा दूसरे प्रपोजिशन दिखते हैं उसके साथ, प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन दिखता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के लिए यहां पर सामने रखा है, ऑब्लाइज के साथ टू लगता है, नोन के साथ टू लगता है, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेंट, कंटेंट के साथ इन लगता है, इंप्रेस्ड, प्लीज्ड, डिस्गस्टेड, सैटिस्फाइड के साथ विद लगता है, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, इस सब के साथ एट का प्रयोग होता है। एक से दो दिन में जब अगला सेशन वॉइस का लेकर के आऊंगा कोशिश करूंगा कि लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूं, ऐसे प्रपोजिशन के दौरान हम इसकी चर्चा विशेष रूप से कर देंगे और आपको नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी रोचक रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहां पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहां से विदा लेने का, अगले दिन फिर उपस्थित होते हैं एक नए रोचक एपिसोड के साथ। पूजा पाठ में लगे रहिए, देवी मां की आराधना कीजिए, बट उसके साथ आपकी जो तपस्या और आराधना है उसको छोड़िएगा नहीं, पढ़ाई जारी रखिएगा। अगले दिन बहुत जल्द एक रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित हैं, तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।